अभिनव इस वक्त लॉरेंस के टारगेट पर है, लेकिन अभिनव लंबे वक्त से सोशल मीडिया पर लोकप्रिय है, सोशल मीडिया पर जाना पहचाना नाम है। अभिनव अरोड़ा एक यूट्यूबर है और इन्फ्लुएंसर और भक्त के रूप में जाना जाता है। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो छाए रहते हैं, इंस्टाग्राम पर 9 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। अभिनव अरोड़ा बाल संत के रूप में प्रसिद्ध है। अभिनव की उम्र सिर्फ महज 10 साल की है, वो अभी 5वीं क्लास में पढ़ाई करता है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त खुद को बताता है और खुद को श्री कृष्ण का बड़ा भाई बलराम मानता है। श्री कृष्ण के साथ श्री राम की भक्ति भी करता है अभिनव। कम उम्र में ही शास्त्रों और वेदों का ज्ञान का दावा भी है। सोशल मीडिया पर आध्यात्मिक वीडियो साझा करता है। अभिनव के पिता का नाम है तरुण राज। तरुण राज एक मशहूर राइटर है। वो सुबह 3:30 बजे अपनी दिनचर्या शुरू कर देता है अभिनव, यानी 3:30 बजे सुबह तड़के उठ जाता है। पहले श्री कृष्ण के नाम का जप करता है, 4 बजे पूजा करता है सुबह, इसके बाद 6:30 बजे तुलसी जी की परिक्रमा करता है, लड्डू गोपाल को भोग अर्पित करने के बाद 7:30 बजे स्कूल जाता है। खुद ही इंटरव्यू में उसने ये जानकारी दी है। आपको सुनवाऊं, अभिनव के स्कूल जाने पर भी उसे लोग ट्रोल कर रहे थे कि ये कथा करता है, रील बनाता है, लेकिन स्कूल नहीं जाता है। अभिनव ने उस पर भी जवाब दिया, सुनिए। लेकिन आपने बोला कि राम मध्वाचार्य जी ने मुझे डांटा, अरे आपके गुरु ने भी तो आपको 8 साल की उम्र में कभी डांटा होगा, 9 साल की उम्र में कभी डांटा होगा। क्या आपसे 8 साल की उम्र में 9 साल की उम्र में कभी गलती नहीं हुई क्या? वो कह रहे हैं आप स्कूल नहीं गए। अरे मैं स्कूल जाता हूँ, पर आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही है। बात जब अभिनव अरोड़ा की हो रही तो अभिनव के साथ एक और बवाल पिछले दिनों जुड़ गया। बवाल क्या था? राम भद्राचार्य से जुड़ा हुआ। सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल करने लगे कि राम भद्राचार्य ने अभिनव को अपने मंच से नीचे उतार दिया। तस्वीर में आपको अगली दिखाऊं, अभिनव राम भद्राचार्य के मंच पर था। ये राम भद्राचार्य बैठे हुए हैं, वो देख रहे थे उनकी तरफ। जरा सुनिए। राजा रामचंद्र भगवान की। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। तो राम भद्राचार्य ने मंच से उतारा। अब सवाल उठने लगे कि अभिनव को राम भद्राचार्य ने मंच से क्यों उतार दिया। सोशल मीडिया पर राम भद्राचार्य अभिनव का वीडियो वायरल हुआ और दोनों एक साथ एक मंच पर कार्यक्रम में मौजूद थे, और इसी दौरान राम भद्राचार्य अभिनव अरोड़ा पर भड़क गए। स्वामी भद्राचार्य ने अभिनव को मंच से उतरने के लिए कहा, नीचे उतरो। इसके बाद सेवादारों ने अभिनव को मंच से नीचे उतार दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। मंच पर राम भद्राचार्य को अभिनव का बर्ताव पसंद नहीं आया। अभिनव शायद उस वक्त रील बना रहा था। अभिनव मंच पर ताली बजाकर राम नाम का जयकारा लगा रहा था। इस पर राम भद्राचार्य ने टोकते हुए नीचे जाने को कहा, क्योंकि अभिनव जाप भी कर रहा था और रील भी बना रहा था। राम भद्राचार्य को रील बनाना पसंद नहीं आया। इसके बाद अभिनव को मंच से नीचे उतार दिया गया। अभिनव और उसके परिवार ने वीडियो पर सफाई दी। राम भद्राचार्य ने भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मैंने वृंदावन में भी उसको डांटा था। वो कहता है कि श्री कृष्ण भगवान उसके साथ पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण कैसे उसके साथ पढ़ेंगे। परिवार ने मंच से नीचे उतारे जाने पर इसे पुराना वीडियो बताया। परिवार के मुताबिक इसके बाद राम भद्राचार्य ने उसे आशीर्वाद भी दिया था। परिवार ने कहा कि गुरु की डांट में भी आशीर्वाद होता है। आइए उस वाकये को आपको बताता हूं। राम भद्राचार्य से जब पूछा गया कि आपने मंच से नीचे क्यों उतारा, वो क्या कह रहे हैं और अभिनव क्या कह रहा है? आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा। जी, उसके लिए आप क्या? अरोड़ा वाला वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है, वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्यता से उसको बोलने का मायने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा? क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? अगर देश के इतने बड़े संत जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था।
लेकिन आपने बोला कि राम भद्राचार्य जी ने मुझे डांटा। अरे आपके गुरु ने भी तो आपको 8 साल की उम्र में कभी डांटा होगा, 9 साल की उम्र में कभी डांटा होगा। क्या आपसे 8 साल की उम्र में 9 साल की उम्र में कभी गलती नहीं हुई क्या? तो यही अभिनव अरोड़ा है, राम भद्राचार्य से जुड़ा है विवाद और लॉरेंस की धमकी। लॉरेंस की धमकी के बाद एक और गिरफ्तारी हुई है। सलमान खान को जिसने धमकी दी थी उसकी गिरफ्तारी नोएडा से की गई है। गुरफान नाम है शख्स का, तैयब नाम है, इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नोएडा में मौजूद था, पुलिस नोएडा आई, नोएडा से उठाकर ले गई। इसी ने सलमान को धमकाया था। आप देखिए जरा धमकी देकर क्या कहा था सलमान खान से। और इनकी गिरफ्तारी, इससे पहले एक और गिरफ्तारी हो चुकी है सलमान को धमकी मामले में। सलमान और जीशान दोनों को धमकाया था। यह वो शख्स, मुंबई पुलिस ने नोएडा से मोहम्मद तैयब को पकड़ा है। मोहम्मद तैयब की उम्र है सिर्फ 20 साल, उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है, दिल्ली में ज्योति नगर में अपने चाचा के पास रहता था। पुलिस ने आरोपी का फोन जब्त कर लिया है। 25 अक्टूबर को तैयब ने जान से मारने की धमकी दी थी। जीशान के बांद्रा ऑफिस में धमकी दी गई थी, इसमें फिरौती ना देने पर सलमान को मारने की धमकी थी। सलमान के साथ जीशान को भी जान से मारने की धमकी थी। जीशान के कर्मचारी ने पुलिस में FIR दर्ज कराई और इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। मुंबई पुलिस ने नोएडा सेक्टर 39 से इसे गिरफ्तार किया। आरोपी ने धमकी देने की बात कबूल कर ली। आरोपी से मुंबई पुलिस लेकर पहुंची आरोपी को और मुंबई पुलिस अब पूछताछ करेगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं। लॉरेंस गैंग रोज सुबह किसी को धमकी दे रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी इन धमकियों पर क्या कह रहे हैं, पहले घबरा गए खुद बोलते हुए, फिर उन्होंने लॉरेंस का इलाज भी बताया, सुनिए। सलमान के मुझे पता ही नहीं, मैं फिल्म देखनी छोड़ दी वरना, वो सलमान जाने है, विश्नोई जाने है, मुझे क्या मतलब है, या पुलिस जाने भाई। क्या है हिंदू समाज, चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है, मुझे मर हो गया तुम तो मेरे पीछे लगा दो उसे। देखो यदि उत्तर प्रदेश में होता तो अब तक गोली लग जाती, ठीक है ना, हम वहां है तो वहां की पुलिस जाने, यहां हम जाने वहां पुलिस। अब आपको बताऊं, एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई सलमान को धमकी देने के मामले में। यह है शेख हुसैन। इससे पहले मोहम्मद तैयब गिरफ्तार हुआ। शेख हुसैन को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया, तैयब को नोएडा से। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है जिसकी गिरफ्तारी नोएडा से हुई, तैयब, और यह शेख हुसैन है। यह तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं कि बहुत से लोग लॉरेंस की सलमान को धमकी पर हिंदू मुसलमान भी कर रहे हैं। तैयब और शेख हुसैन ने भी सलमान को धमकी दी। बाबा सिद्दीकी को मारने वाले भी 3 शूटर थे, तैयब और शेख हुसैन युवा हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं, बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले ये 3 युवा। सवाल यह है कि जितने लोग धमकी दे रहे हैं या हत्याएं कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, वो सब युवा हैं। लॉरेंस के गैंग में किस तरह से युवाओं को भर्ती किया जाता है, वो युवा जो बहुत गरीब परिवेश से आते हैं, बहुत मुफलिसी में रहते हैं, परिवार के लिए खाने को रोटी नहीं है, वो युवा है। देखिए जरा 3 ये, इनको देखिए, और 2 वो। लॉरेंस जेल में बाबा सिद्दीकी की हत्या में 15 आरोपी गिरफ्तार हुए। इनमें ज्यादातर आरोपी बहुत छोटे छोटे शहरों के। आरोपियों की उम्र सिर्फ 20 से 25 साल। सलमान को धमकी मामले में भी 2 गिरफ्तारियां हुई है, दोनों उधर देख रहे हैं। दोनों ही आरोपियों की उम्र 20 से 25 साल। अपराधियों के लिए इन्हें ब्रेन वॉश करना इनका आसान होता है। छोटे शहरों के युवाओं के बड़े सपने होते हैं और जल्दी में अपने सपनों की चाहत में अपराध में शामिल हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए जरा सलमान को धमकी, मोहम्मद तैयब गिरफ्तार हुआ धमकी के मामले में, उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। वो जो रेड टी शर्ट में आप देख रहे हैं वो है तैयब। तैयब के पिता सिर्फ सिलाई का काम करते हैं। तैयब खुद कारपेंटर है, नोएडा सेक्टर 92 में काम करता है और उसकी उम्र 20 साल के करीब। सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे उसने कहा। 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहा था, बहुत बुरा होगा, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, ऐसी धमकी मोहम्मद तैयब ने दी है। अब मुंबई पुलिस उससे आगे की पूछताछ करेगी। सलमान को धमकी में शेख हुसैन भी गिरफ्तार हुआ, ग्रे टी शर्ट में देख रहे हैं, ये शेख हुसैन झारखंड के जमशेदपुर से पुलिस ने दबोचा था इसे। मुंबई पुलिस ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा इसने मैसेज दिया, 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। इसने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया। जमशेदपुर में ये सब्जी बेचने का काम करता, वो कारपेंटर। ये सब्जी हुसैन पश्चिम बंगाल के बाघमुंडी का रहने वाला है। अब देखिए ये बाकी के 3 जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की। घटना के बाद ही दोनों शूटर्स को धर दबोचा था। गुरमेल बलजीत सिंह, धर्मराज कश्यप को पकड़ लिया गया। उसके बाद इन शूटर्स को फायरिंग करना तक नहीं आता था, यानी इन्हें गोली चलाना भी नहीं आता था। यूट्यूब वीडियो देखकर 15 दिन तक फायरिंग की ट्रेनिंग ली इन लोगों ने।
पिस्टल में बिना मैगजीन डाले ही ट्रिगर दबाने की प्रैक्टिस की है, तब आया है इन्हें गोली चलाना। ये सब खुद बहुत गरीब परिवार से आते हैं, किसी के परिवार माँ बाप के पास पक्का घर भी नहीं है, इस स्थिति से आते हैं। इसीलिए जेल में रहने वाले बड़े जो माफिया है, डॉन है, लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग हैं, वो इस तरह के युवाओं को ही टारगेट करते हैं। पप्पू यादव को कल धमकी दी गई, सुनिए आज पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। तो कहीं ओपन नहीं किया, जब सोशल मीडिया के पेज पर किसी लोगों ने मलेशिया से, रात भी जैसे मलेशिया से लोगों ने धमकी दी, तो वो उनका काम है धमकी देना, मेरा काम है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है इस सुरक्षा को भी लौटा ले, मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए, मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी आप देख लो, आप सामने में दिखाओ जनता को, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है, जिसको मारना हो आके मार दो, लेकिन सच्चाई के रास्ते नहीं हटूंगा। सदन और सदन के बाहर जो आम लोगों की जिम्मेदारी हमको दी गई है वो काम करूंगा। मैं इतना जानता हूं इस देश की जनता मेरे लिए भगवान है, इंसान नहीं मानता हूं, भगवान मानता हूं, और उसके जस्टिस के लिए मैं कुछ भी करूंगा और उसकी मदद मरते दम तक करूंगा। ये तीन फिलॉसफी मेरी है और उसमें जिसको मारना हो, तो इसीलिए सरकार गंभीर नहीं है, सरकार सियासत में जो लोग रहते हैं उसकी सुरक्षा, सरकार गंभीर नहीं है, सरकार चाहती है कि पप्पू यादव खत्म हो, सिरदर्दी है उनके लिए, तो सरकार जाने, मैं सरकार से अब भीख नहीं मांगूंगा। आइए अब आपको लिए चलता हूं लॉरेंस बिश्नोई के घर। रिपब्लिक भारत की टीम लॉरेंस के घर पहुंची है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लॉरेंस का घर है, और रिपब्लिक की टीम पहुंची लॉरेंस के इस घर में, पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। लॉरेंस के परिवार से बात की, उनके भाई से बात की, जरा भाई को सुनिए उनके। लॉरेंस बिश्नोई बहुत बढ़िया बच्चा है, तो उसके तो ऐसा है जैसे सलमान खान ने वो गेंद मारे थे वहाँ जोधपुर के पास, तो वो उसके मन में बात आ गई है भी इस सलमान खान ने तंग कर लिया हमें, तो क्यों ना उसे बदला दिया जाए। बाकी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है, सब कुछ हो रहा है। वो अब उनके फादर साहब कह रहे हैं कि हमारे बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है सलमान खान ने, ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाओ, झूठा काम मत करो, ये जो गलती हो गई है तो हो गई है, उसकी माफी मांगो आप। कोई लॉरेंस खुद तो माफी नहीं मांग रहा, मना रहा, वो तो कह रहा है कोई भी हमारे बिश्नोई मंदिर में जाके आप माफी मांग लो, हम माफ कर देंगे। बाकी कानून ने उसको सजा भी दी है, वो एक कोर्ट दो कोर्ट कितने हाई कोर्ट तक केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, तो उसमें कुछ ओपनसी है तो ही वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, नहीं तो वही खारिज हो जाता। को क्रिकेट वगैरह बच्चों को खिलाता था, अब ये नशे आदि में न पड़ जाए, तो वो उसको तो बना दिया है, वो ऐसा नहीं है जैसा वो मीडिया वाले या जो भी बता रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं। लॉरेंस के भाई को आप सुन रहे थे, किसी भी परिवार के लिए उसका जो भाई है या बच्चा है वो अच्छा ही आदमी होता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, नवाब पलटेंगे महाराष्ट्र का गेम। दरअसल नवाब मलिक, जिन पर दाऊद से संबंध होने के आरोप लगे, मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फंडिंग के आरोप लगे, वो अभी तक सीन में नहीं थे, चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे। आज आखिरी दिन नवाब मलिक ने अजीत पवार की पार्टी से नॉमिनेशन कर दिया, नामांकन भर दिया, अब बीजेपी आग बबूला है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं नवाब मलिक की, मान खुर्द से पर्चे से पहले नवाब मलिक का रोड शो आप देख रहे हैं, मान खुर्द से जिस वक्त रोड शो निकाला और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, अब नवाब मलिक ने नॉमिनेशन किया, एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फाइल किया, अजीत पवार की पार्टी से नॉमिनेशन फाइल किया, उनकी बेटी उनकी सीट से लड़ रही है और नवाब मलिक, आपको बताऊंगा दिलचस्प लड़ाई हो गई है, नवाब मलिक जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको तो बताऊंगा, लेकिन नवाब मलिक पर बवाल इसलिए क्योंकि नवाब मलिक पर आरोप लगे कि उनके अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से रिश्ते रहे। इस मामले में आरोप के साथ साथ ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग में भी गिरफ्तार किया है। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल भी जा चुके हैं। नवाब मलिक शरद पवार की एनसीपी में थे, जेल से बाहर आए और अजीत पवार की एनसीपी में आ गए। अजीत पवार की एनसीपी महायुति यानी बीजेपी शिवसेना शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी का गठबंधन है। बीजेपी नवाब मलिक के खिलाफ बोलती भी रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती रही, फडणवीस ने तो खुद उनके खिलाफ झंडा बुलंद किया था। अब देखिए नवाब मलिक किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, अबू आजमी के खिलाफ। नवाब मलिक और अबू आजमी एक ही सीट से।